इस योजना के अनाउंस होने के बाद से लगभग 15 प्रदेशों में हिंसात्मक तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि ट्रेनों में भी आग लगा दी गई है। ऐसा क्यों, युवा इस योजना के खिलाफ इतना आक्रोशित क्यों हैं? जो कुछ बातें मुझे समझ में आई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो दोस्तों मैं इस चैनल पर ज़्यादातर पेंशन के मामलों में बात करता हूँ। सेना भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पेंशन योजना लागू है, इसलिए मैंने थोड़ा इसे भी कवर करने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास है कि आपको सार्थक और सही न्यूज़ दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों सेना में जाने का उद्देश्य सबसे पहले यह होता है, जो यूनिफॉर्म होती है वो युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। मैं अपने मामले में कहूँ, मुझे नहीं पता थी सेना में कितनी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मेरे गांव में मेरे घर में जो लोग सेना में थे उन्हें देखकर मेरे अंदर एक जोश था कि मैं भी सेना की यूनिफॉर्म पहनूँ। खासकर मुझे एयरफोर्स की वर्दी पहनने की बहुत शौक थे, इसके लिए मैंने कई प्रयास भी किए, नहीं सिलेक्ट हो पाया किन्हीं कारणों से। और वही चीज़ आज तक युवाओं में है कि युवा उस यूनिफॉर्म को लेकर, देश की सेवा को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट आकर्षित रहते हैं। दूसरी बात होती है पैसे की, सैलरी। तो सैलरी भी सेना में काफ़ी अच्छी है, साथ साथ इसमें प्रमोशन भी है। अगर आप एक जवान के रूप में यहाँ पर भर्ती होते हैं तो आप नायब सूबेदार तक जाकर आराम से रिटायर हो सकते हैं, और इसके अगर आप सीधा ऑफिसर रैंक पे भर्ती होते तो वो तो बात ही एकदम अलग है। यहाँ पर आपको नेवी में, एयरफोर्स में भी अलग अलग पदों पर काम करने का अवसर मिल जाता है। अगर सशस्त्र बलों की बात करें, तीनों सेनाओं की, तो इस तरह से किसी का भी किसी भी पद पर जाने का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप 15 साल की भी सर्विस कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको पेंशन की सुविधा मिलती है, जो कि अभी सिर्फ सेना में है। युवाओं के आक्रोश का एक कारण यह भी हो सकता है कि 2019-20 में जो भी उस समय आवेदन हुए थे, जिनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग पूरी हो गई थी, और कुछ तो ऐसे थे जहाँ पर नियुक्ति मिलनी थी, और उन सारे प्रोसेस को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। वो पूरी प्रक्रिया ही बंद कर दी गई, निरस्त कर दी गई, और कहा गया कि अब जितने भी सैनिक भरे जाएंगे, चाहे वो आपके एयरमैन होंगे, सेलर्स होंगे, सब अग्निपथ योजना के माध्यम से ही आएंगे। अग्निवीरों के मामले में पे आपके जो चिकित्सा सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, आपके जो वो है, आपके कहते हैं रिस्की एरिया, सेना की भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं एग्जैक्ट वर्ड आ रहा है। तो जैसे हम लद्दाख में काम कर जा रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे जो क्षेत्रों में, तो वहाँ पर एक रिस्क भत्ता मिलता है, अतिरिक्त भत्ता मिलता है, वो सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। लेकिन जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ये सारी सुविधाएं एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। आपका जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, कैंटीन की सुविधाएँ, जबकि सेना में जो नियमित 15 वर्ष की सेवा कर लेते हैं उन्हें ये सुविधाएं ताम्र मिलती रहती हैं जब तक वो रहते हैं या उनके डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सुविधाएं एक साथ बंद होना, ये भी कहाँ तक सही होगा? तो ये भी एक कारण हो सकता है युवाओं के विरोध का। हम लोग जब सेना में जाने की तैयारी करते हैं तो कभी कभी 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। मॉर्निंग में उठकर दौड़ना सड़कों पर, शाम को दौड़ना, मैंने तो देखा है लोग धूप में भी दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद एक बार मौका मिला, आप गए वहाँ कॉलेज, वहाँ के माहौल में ढले, 4 साल बाद आप चाहे 25% में हो, चाहे 75% में, आपको फिर से वही तैयारी करनी है, वही मेडिकल फिटनेस देनी है। और जो लोग 25% में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप 25% में सेना में सीधे भर ले जाएंगे, वहाँ पर आपको नामांकन होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप आगे के लिए जाएंगे। जो 75% जहाँ से जाएंगे उन्हें अगर दूसरे विभागों में, दूसरे प्रदेशों में और पैरामिलिट्रीज में अगर वहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, तो उन्हें वो सारी क्वालिफिकेशन उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से फिर से पूरी करनी होगी। हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कुछ अलग चीज़ें हों, लेकिन आपको अपने फिजिकल और मेडिकल ये तो आपको हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, करंट में क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 साल पहले अग्निवीर बन लिया था तो वहाँ क्वालिफाई कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें मान ली जाएंगी। दोस्तों आज के समय में आपको जैसी ही नौकरी मिलती है तहाँ वैसे ही शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं,
लोगों के घरों में और भी शादियाँ होती हैं, किसी की बहन की शादी, किसी भाई की शादी है, किसी के घर बनवाने हैं, तो जैसे आपको जॉब मिलती है आप इस सारी प्रक्रिया में लग जाते हैं। अब 4 साल बाद यहाँ पे एक स्टॉपेज लग गया, आज विराम कह सकते हैं लग गया, कि जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिल जाती या 25% जो सेना ने कहा है कि हम लेंगे 25% को, उसमें जॉब फिर से आपको नहीं मिल जाती अगले 15 सालों के लिए, तब तक तो आप इन सारे प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। युवा उलझन में रहेंगे कि क्या करें, अगले भी क्या करें, कि क्या अभी जो सैलरी मिल रही है इसी को खर्च कर दिया जाए या 4 साल बाद किया जाए। जो लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे वो 4 साल इंतज़ार करेंगे कि पहले इनकी कोई नियमित सेवा हो जाए तब इनको इनकी शादी की जाए, तो बहुत से कारण हो सकते हैं ऐसे भी। एक चीज़ यहाँ पर अच्छा है कि वेतन के मामले में लगभग समानता है, जो वेतन आपको लगभग वहाँ पर सूबेदार की पोस्ट मिलेगा वो वेतन आपको यहाँ पर 4वें साल मिल जाएगा, लेकिन मामला है कि कुल कितनी राशि आपको मिलेगी। 4 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 24 लाख रुपए ही अर्न कर पाएंगे और 15 साल की सर्विस में आप काफ़ी पैसे इकट्ठा कर पा जाते हैं। सेना के जवानों के अपने व्यक्तिगत खर्चे कम होते हैं, इसलिए उनकी अच्छी बचत भी हो जाती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण युवाओं में थोड़ा तनाव है, युवा इस योजना की खिलाफत कर रहे हैं। बाकी सरकार क्या कह रही है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेना क्या कह रही है, सेना इनको लेकर किस तरह से आशान्वित है, उनके लिए किस तरह से योजनाओं को बना रही है जिससे 4 साल बाद अग्निवीरों को भटकना ना पड़े, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।